हाँ गाइस, मेरा नाम है एमआर और आप देख रहे हैं एमआर यूपी ब्लॉग। तो गाइस आपको भी चाहिए धर्मशाला तभी है इस वीडियो पे। तो चलते हैं वीडियो का स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर आप वाराणसी आ रहे हैं घूमने के लिए तो आपको चाहिए होता है एक धर्मशाला। आज की इस धर्मशाले में सबसे फेमस धर्मशाला जो वाराणसी में सबसे यूनिक फेमस स्टेशन के बगल में, जैसे आप लोग आते हैं सोचते हैं स्टेशन के बगल में हो आसपास हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप लोग की थोड़ी सी गलती है मेरे हिसाब से। आप लोग को स्टेशन के पास नहीं लेना चाहिए, आप लोग को लेना चाहिए अगर आप जहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं टेम्पल के पास। घूमने के लिए आप लोग आते हैं ज्ञानमोपी मस्जिद मंदिर जिस जगह पे, उस जगह पे आप लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आपको वाराणसी का हृदय गुदलिया चौराहे पे ही आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी अगर माने तो। नहीं तो अगर आप लेना चाहते हो कहीं भी ले लें, बनारस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग मतलब सोचते हैं स्टेशन पे मुझे मिले, तो गाइस स्टेशन पे मिल जाएगा आपको। स्टेशन पे सबसे फेमस धर्मशाला है वाराणसी धर्मशाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन से आप 10 रुपये का किराया लगाएंगे तो आपको वहाँ पे पहुँचा दिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला। तो यहाँ के मैं कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ, अगर ये नंबर और आप आ रहे हैं वाराणसी घूमने के लिए तो यहाँ पे आप कॉल करके अपना सबसे पहले बातचीत कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे विजिट करिए। क्योंकि आने के बाद क्या होता है धर्मशाला, सबसे पहले बात की धर्मशाला वाले कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हैं, पहले से आपको बुकिंग नहीं देंगे, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। तो मैं लाया हूँ आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टेक्ट करने के बाद कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला है। काफ़ी लोगों ने इसका वीडियो बनाया है लेकिन नंबर शायद ही किसी ने दिया हो। मेरे पास है इनका कॉन्टेक्ट नंबर, तो मैं आपको आज देने वाला हूँ कॉन्टेक्ट नंबर। लेकिन आप जब यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ से आप घूमने के लिए कहाँ जाएंगे, सबसे पहली बात तो आप आते हैं शॉपिंग एरिया जो है वाराणसी में गुदलिया चौराहा है या दाल मंडी नई सड़क, यहाँ पे शॉपिंग मतलब पूरा हब है, शॉपिंग का पूरा हब है। यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैंट रेलवे स्टेशन पे आएंगे और उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला में रुकेंगे और उसके बाद घूमने के लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि गुदलिया घूमने के लिए आते हैं, दीना चाट भी खाना होगा आपको, चाट वाट तो भैया बगैर खाए जाएंगे नहीं क्योंकि इतना सारा भीड़ रहता है। उस समय से मुझे लगता है कि जितने भी लोग आते हैं दीना चाट का चाट भी खाते, तो आप आएंगे चाट वाट खाएंगे, ठीक है, गुदलिया चौराहे पे मिलेगा जो शॉपिंग हब जो मैंने बताया, तो आपको ये नई सड़क में मिल जाएगा शॉपिंग हब। दाल मंडी लेडीज का पूरा सामान वहाँ पे मिलेगा अगर आप नई सड़क दाल मंडी में आते हो। फिर उसके बाद गुदुलिया चौराहा जाएंगे घूमने के लिए, थोड़ा सा वहाँ पे भी शॉपिंग वगैरह लोग करते हैं। और उसके बाद उधरी से चले जाएंगे, जब गुदुलिया चौराहे पे पहुंचेंगे तो उधरी से आप चले जाएंगे दशरथ मेल घाट, गंगा घाट। 6 बजे आरती होती है और मॉर्निंग में 80 घाट पे आपको मॉर्निंग मिलेगी। मतलब पहली बात कि आप जब दशरथ मेल घाट जाओगे तो शाम को वहाँ पे आरती मिलती है। और मेरे जहाँ तक एक्सपीरियंस है तो आप अगर 80 घाट पे आते हो तो आपको मॉर्निंग में आपको आरती मिलेगी, मतलब रात में मिलेगी, शाम को मिलेगी दशरथ मेल घाट, मॉर्निंग में मिलेगी 80 घाट। तो बहुत सारे लोग को आरती भी देखना रहता है, तो यहाँ से आप आरती देखने के लिए जा सकते हो। अगर आप दोपहर में या शाम को, एक सबसे अच्छी जो फेमस जगह हो गई हमारे वाराणसी में नमो घाट, मतलब खिड़किया घाट, वहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट पैलेस हो गया है, मतलब वो भी एक तरीके से, तो वहाँ भी सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए। और वो बहुत ही अच्छा घूमने के लिए एक स्पेस है, मतलब बहुत बढ़िया, जिसे आप सामने जाओगे वहां से भी गंगा घाट के लिए आपको मतलब 100 रुपया पर परसेंट लगता है। दशरथ में भी आप जा सकते हैं वहां से। और उसके बाद एक 85वां घाट बना है, थोड़ा सा आगे जाएंगे, मोदी जी ने आपके बनवाया आपके लिए, तो वहां भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए, वो भी अच्छी एक जगह। आप नमो घाट पे जब आएंगे उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, मतलब पैदल पैदल ही जा सकते हैं नमो, मतलब 85वां घाट पे, वहां पे भी घूम सकते हैं। सो गाइस रह गई बात सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला का, आपको कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला, ठीक है। और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर है, संजय भाई हैं, ठीक है, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इनको आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आप अच्छे से पता कर लीजिए। शादी विवाह अगर आपके यहाँ होता है, जैसे मान लीजिए आप सोचते बाहर के हैं और बलिया बिहार कहीं के भी हो, आप सोचते हैं बहुत सारे लोग आते हैं वाराणसी में शादी वगैरह करने के लिए तो फंक्शन आ रहे हैं, तो इनसे कांटेक्ट करके आप इसमें प्रोग्राम रख सकते हैं। ये अवेलेबल करते हैं, मतलब 200 400 500 लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप पहला काम तो ये कर लीजिए, ये भी हो जाएगा अगर आप करना चाहते हैं। दूसरी बात, आप फैमिली के साथ आए हैं तो आप फैमिली के साथ इनके कॉन्टेक्ट करके फैमिली के साथ मतलब यहाँ पे विजिट कर सकते हो। दोस्त लोग के लिए भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ये बहुत नजदीक में। सबसे पहली बात आप कैंट पे आएंगे, कैंट रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा चलेंगे, मतलब 10 रुपए का आपको किराया लग जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला, ठीक है। ये तिलियाबाग चौराहे पे जब आ जाएंगे, तिलियाबाग चौराहा, तो उसके बगल में ये धर्मशाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला। ये बहुत बढ़िया धर्मशाला है, साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। इसमें 400 रुपये से लेके, पहले 350 रुपये का था इसका रूम डबल बेड का, लेकिन अभी 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक इसका रूम है। एसी भी इसमें लगा हुआ है, अगर आप गर्मी में आते हो तो आपको एसी भी प्रोवाइड किया जाएगा।
और अगर आप गर्मी में कूलर लेना चाहते हो तो कूलर भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हाँ 100 रुपए का आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। मेरी राय है कि अगर आप धर्मशाला में रहना चाहते हैं तो नॉर्मल धर्मशाला 400 रुपए का है। फिर आदमी घूमने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो वो लोग को भैया एकदम नॉर्मल अपना लगेज वगैरह रखना रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब उनको दिक्कत नहीं, बस रात में उनको रुकना रहता है। तो उस वजह से आप 400 रुपए का लेके काम चला सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। काम करिए, एंजॉय करिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, मार को विदा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शब बगैर खुदा हाफिज़।